रहा था हमारे चैनल पर और अपन लोग पॉलीमर पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं पॉलीमर में। 3 लेक्चर हमारे आए थे और जो चौथा पार्ट था वो हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का था। तो आज पॉलीमर पढ़ने की सीरीज़ में अपन लोग पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर अपन लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, कैसे कैसे टाइप की रिएक्शंस होती हैं हमारे पॉलीमर में जब हमारा पॉलीमर फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है सर, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप से पॉलीमराइजेशन होता है हमारे पास, एक एडिशन और एक कंडेंसेशन। एडिशन में क्या होता है, सिंपली मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं हो रहा था। और कंडेंसेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। अब अपन लोग फिर से देख लेते हैं कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। हम लोग एडिशन बोले या फिर चेन ग्रोथ बोले, दोनों बात एक ही है। और जो हम लोग का सेकंड है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से जिसका नाम है एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच मोनोमर्स कंटेनिंग वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो हमारे मोनोमर्स हैं उनमें हम लोग का डबल बॉन्ड हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे अपन लोग एथीन का एग्जांपल देखे थे डबल बॉन्ड वाला। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे अपन लोग ये भी देखेंगे कि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जैसे सी डबल बॉन्ड OH, CHO, NH2, ऐसे ऐसे टाइप के फंक्शनल ग्रुप भी लगे हो सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया मोनोमर्स की बात। अब हमारा एडिशन में क्या होगा, सिंपली मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐड होंगे और एज अ बाय प्रोडक्ट किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक, ये हम समझ चुके हैं। यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, देखिए होता क्या है सर, हमारे पास जो रिएक्शंस होती है, यहाँ पर जो अपन लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो हम लोग के कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, कार्बिन्स, ठीक है, और हम लोग का फ्री रेडिकल्स, ये सब हुआ करते हैं। जब अपन लोग बॉन्ड फिजन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि होमोलिसिस होता है और हमारा हेट्रोलिट्रिक होता है। ठीक, तो जो हम लोग का होमोलिसिस वाला बॉन्ड फिजन होता है या फिर जिसे हम होमोलाइटिक भी बोलते हैं, इस केस में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस लगभग सेम हुआ करता है। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सेम हुआ करता है तो वहाँ पर हम जब बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं तो वहाँ हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। ठीक है, या फिर जब अपन लोग हीट कर देते हैं, हीटिंग इफेक्ट होता है तो वहाँ पर फ्री रेडिकल मिलता है। अगर सनलाइट हो, HNU हो, तब वहाँ पर भी हम लोग को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होती है ना। या फिर अगर हम लोग का परोक्साइड यूज़ हुआ हो तब भी वहाँ पर जो मैकेनिज्म होती है वो हम लोग के फ्री रेडिकल ही होती है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है तब हमारे पास कार्बोकेटायन और कार्बन आयन मिलते हैं। ठीक, जो हम लोग का हेट्रोलिटिक या फिर जो हेट्रोलाइटिक भी बोलते हैं इसे हम, वो उसमें आता है। ठीक, फिलहाल अपन लोग अभी जो मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, अब देखिए अपन लोग को ये तो पता है कि रिएक्शन अपने आप नहीं होने वाली है, हमें कम से कम उसे स्टार्ट करने की आवश्यकता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो रिएक्शंस को स्टार्ट करवा देते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनिशिएटर। ठीक है, तो जैसे हम लोग की पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर भी हमें एक इनिशिएटर लगेगा और वो इनिशिएटर हमारे पास होगा। ठीक, और जो अपन लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं और आगे। पॉलीमराइजेशन में भी ऑल्सो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ आयनिक स्पीसीज। ठीक है, हम तो ये जानते ही हैं कि परोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है।
ठीक, लेकिन अपन लोग ये आयनिक स्पीसीज़ के द्वारा भी करा सकते हैं। ठीक, फिलहाल वो चीज़ अपन लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हमारे जो कोर्स में है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही है, हालांकि यहाँ पर कार्बोकैटायन और कार्बन आयन की मैकेनिज्म भी होती है पॉलीमर्स में। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द मोनोमर्स यूज्ड इन दिस रिएक्शन आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सच एज एल्कीन्स। ठीक है, आप जानते ही हैं, सॉरी, सिंस इन दिस पॉलीमराइजेशन द मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय द चेन रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। है ना, यहाँ पर मोनोमर्स जुड़ते रहते हैं और एक हमारी चेन फॉर्म हो जाती है, इस वजह से इसे हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अभी अपन लोग मैकेनिज्म पे आते हैं। जैसे हमारे पास एथीन का मॉलिक्यूल था, ठीक है, अपन लोग देख ही चुके हैं, इनिशिएटर हमारा यूज़ हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉलीथीन में। है ना, ये हमारा पॉलीमर है। कैसे बनता है सर, पता है हम लोग को, यहाँ यहाँ सिंगल लगाते हैं, डबल बॉन्ड था इसको हम सिंगल करते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो जाया करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मेन फीचर ऑफ एडिशन या फिर चेन पॉलीमराइजेशन आर एज फॉलोज। ठीक है, ओनली ओलेफिनिक और विनाइल कंपाउंड्स कैन अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ओलेफिनिक मतलब ऐसे कंपाउंड जो हमारे अनसैचुरेटेड हैं, जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स, या फिर जो हमारे विनाइल्स हैं, डबल बॉन्ड पे जो उपस्थित कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन भी होता है, वहाँ हाइड्रोजन को अगर अपन लोग रिप्लेस करते हैं किसी हैलोजन से, ठीक है, कुछ इस टाइप का कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, एक हाइड्रोजन की जगह हमने Cl लगा दिया, तो ये कहलाते हैं हमारे विनाइल्स। ठीक, इस टाइप का अगर हमारे पास कंपाउंड है तब हमारे पास क्या होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन ही होगा। ठीक, या फिर कोई हम लोग के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जैसा कंपाउंड है तो वहाँ पर भी क्या होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन ही होगा। देयर इज़ नो एलिमिनेशन बाय प्रोडक्ट। ठीक, हम जानते हैं डबल बॉन्ड प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड बॉन्डिंग साइट्स। ठीक है, कम से कम डबल बॉन्ड हम लोग का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एडिशन ऑफ मोनोमर्स टेक प्लेस रैपिडली। ठीक है, मोनोमर्स का जो हम लोग का एडिशन होता है वो काफ़ी तेज होता है, एकाएक काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, उसका हम लोग का जो मोनोमर्स का ऐड होने का जो प्रोसेस है वो कोई फिक्स नहीं है कि पहले दो मोनोमर फिक्स होंगे, पहले दो मोनोमर आएंगे, फिर चार आएंगे, फिर पांच आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे फ्री रेडिकल बनता है उसके पास मॉलिक्यूल दिखता है वो उससे ऐड हो जाता है फटाफट, बहुत ही तेज़ी से ये सब घटनाएँ होती हैं। ठीक है, फिलहाल अपन लोग देखते हैं और चीज़ें। द फॉर्मेशन ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर इज इनिशिएटेड आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल और आयंस। है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि चेन को स्टार्ट करने के लिए कोई इनिशिएटर की आवश्यकता है, और ये इनिशिएटर फ्री रेडिकल भी हो सकता है और एज अ आयंस भी हो सकता है। ठीक, फिलहाल अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वहाँ पर जो होगा फ्री रेडिकल ही फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, हाउएवर मोस्टली चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, जो ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोसीड होंगी। है ना, अब देख लेते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक, अच्छा, उससे पहले अपन लोग कुछ बातें सुन लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम लोग के पास जब रिएक्शन स्टार्ट, हमें सबसे पहला मुद्दा है कि रिएक्शन कम से कम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनिशिएटर। है ना, वो इनिशिएटर यहाँ पर अभी हम लोग यूज़ करेंगे जो बेंजोइल परोक्साइड होगा। है ना, फिलहाल तो इनिशिएटर क्या करेगा, चेन को स्टार्ट करवाएगा। ठीक, जब चेन स्टार्ट होगी मतलब कि मोनोमर्स आपस में ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो ये स्टेप होगी कि चेन कम से कम पहले रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, इसे हम बोलेंगे चेन इनिशिएशन। सबसे पहला हमारे पास क्या स्टेप है, चेन का स्टार्ट होना। ठीक, स्टार्ट कौन करवाएगा, परोक्साइड। ठीक है, अच्छा, जब चेन स्टार्ट होगी इस स्टेप को हम बोलेंगे इनिशिएशन। है ना, अब क्या होगा, अब वो टाइम चलेगा जब फ्री रेडिकल्स बनते जा रहे हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो स्टार्ट हुआ, अब हम लोग का पॉलीमर बनने की प्रोसेस चालू है। ठीक, तो जो ये हम लोग का ड्यूरेशन है इसे हम बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, चेन प्रोपोगेशन। ठीक है, अच्छा, कब तक चेन हम लोग की बढ़ती जाएगी, जब तक कि सारे मोनोमर्स आपस में ऐड होकर पॉलीमर फॉर्म ना कर दें। ठीक, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारे मोनोमर्स क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास पॉलीमर बना हुआ होगा। तो जो हम लोग की लास्ट स्टेप होगी जब पॉलीमर्स बन चुका होगा उसे हम बोलेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप।
ठीक है। तो जो भी हम लोग की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है वो तीन स्टेप के थ्रू होती है। सबसे पहले चेन स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन। फिर हम लोग का चेन बनना फॉर्म होता है, वो जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है उसे हम बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। फिर लास्ट में क्या होता है, पॉलीमर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप है ना, तो उसे देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम समझेंगे तीनों स्टेप समझने के बाद, ठीक है, जो ये बादल में मैंने बनाया है ये सब का क्या मतलब है ना। फिलहाल अपन लोग देखते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, दिस प्रोसीड इन्वॉल्व्स टू रिएक्शंस। सबसे पहली बात, जो चेन इनिशिएशन स्टेप है यहाँ पर दो रिएक्शंस होगी। द फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स बाय द होमोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ एन इनिशिएटर, है ना। अब इस स्टेप में क्या होगा, दो रिएक्शंस होगी। अब पहली रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होगा। फ्री रेडिकल क्या होगा, फॉर्म होगा, है ना। और कैसे होगा, होमोलिटिक, या जिसे हम होमोलिसिस भी बोलते हैं, होमोलिसिस डिसोसिएशन के थ्रू हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। और होमोलिसिस डिसोसिएशन कब होगा, जब अपन लोग एक इनिशिएटर यूज़ करेंगे, ठीक है, और वो इनिशिएटर हमारा परोक्साइड होगा। जब परोक्साइड यूज़ होता है तब जो हम लोग की बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वहाँ पर हमें फ्री रेडिकल्स ही मिलते हैं। तो पहला हमारे पास जो रिएक्शन है वो है कि फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, सच एज डाइबेंजोइल परोक्साइड, ठीक है, जो अपन लोग अभी यूज़ करेंगे रिएक्शन में वो क्या होगा, डाइबेंजोइल परोक्साइड प्रोक्साइड के तौर पर यूज़ हो रहा है। अदर एग्जांपल्स आर एसिटिल परोक्साइड, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड भी होता है। तो ये अदर एग्जांपल्स भी हैं जो हम लोग का परोक्साइड की तरह यूज़ हो रहा है, जिसका काम है चेन को स्टार्ट कराना, जिसे अपन लोग इनिशिएटर भी कहते हैं, ठीक। तो यील्ड अ पेयर ऑफ रेडिकल्स, ठीक, तो जब अपन लोग का फ्री रेडिकल्स फॉर्म होगा तो वहाँ पर पेयर ऑफ रेडिकल्स मिलेंगे, ठीक, वो क्या देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये बड़ा सा क्या बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइबेंजोइल परोक्साइड, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, डाइबेंजोइल परोक्साइड का, ठीक। अब ये परोक्साइड अपन लोग यूज़ करेंगे, है ना। अब हमें पता है कि जो परोक्साइड होते हैं वो जब इनका हीटिंग कर देते हैं तो ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होंगे, है ना, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो इसे अपन लोगों ने हीट किया, ठीक। अब यहाँ पर क्या था, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना था, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ, ठीक, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक। तो इस वाले के पास एक फ्री रेडिकल आया, है ना, हीटिंग कर रहे हैं और हम लोग का ये परोक्साइड है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल के फॉर्म में बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। और एक फ्री रेडिकल इस बंदे के पास आया, ठीक है, समझ रहे हैं आप, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आया, ये इसके पास आया, और एक फ्री रेडिकल इस वाले बंदे के पास आया जो यहाँ पर है, ठीक। अच्छा, कुछ नोटेशन अपन लोग समझते हैं कि अगर हम ऐसे बना दें केवल सिंगल एरो, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। अगर अपन लोग ये बना दें, मतलब पूरा एक लोन पेयर बोलें, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो जब ये एरो बनाते हैं मतलब वहाँ पर पूरा पेयर हो रहा है ट्रांसफ़र, ठीक है। और ऐसे केवल बना दें, एक दिख रहा है आपको, एक सिंगल डिंडी, इसका मतलब है कि एक ही इलेक्ट्रॉन उसकी खोपड़ी में आया है, ठीक है, ये अपन लोग देख लिए, है ना। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, इसके ऊपर फ्री रेडिकल, इसके ऊपर फ्री रेडिकल, यहाँ यहाँ पर आ गया, ठीक है। हालांकि अभी भी हीटिंग इफेक्ट इसके अंदर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अभी भी नहीं मानेगा, इसकी ब्रेकिंग फिर होगी, ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो फिर ही हम लोग की ब्रेकिंग हो जाएगी, है ना। अच्छा, पूरा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर आएगा फ्री रेडिकल, ठीक, और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, पूरा CO2 दिख रहा है आपको, ठीक। इसी प्रकार इसका भी होगा, है ना, यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी, इसके ऊपर आएगा फ्री रेडिकल, ये क्या बन जाएगा, पूरा CO2, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, दो हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे और 2 CO2 बनेगा, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं पेयर ऑफ रेडिकल्स, पेयर बनाया पूरा रेडिकल्स का, ठीक। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो क्या था, चेन इनिशिएशन, ठीक है। इसके अंदर भी अपन लोग क्या देख रहे थे कि सबसे पहली रिएक्शन होगी जब हम लोग का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो अपन लोग का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है, देख रहे हैं आप, ठीक। अच्छा, इसको अपन लोग कुछ देर के लिए R बोल दे रहे हैं, R, ठीक है, R फ्री रेडिकल, इसे अपन लोग फिनाइल फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक। तो ये आप समझ जाओ, है ना, ये हो गया हम लोग का फिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक। अच्छा, ये हो गया हम लोग की पहली चेन इनिशिएशन स्टेप, जब हम लोग का फ्री रेडिकल बन गया है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अपन लोग देखेंगे इस पार्ट 5 के सेकंड लेक्चर में।
ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं, अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 5 का सेकंड लेक्चर, ठीक है, इस यहाँ के बाद टू बी कंटिन्यू, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।